हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ रिएक्शन। लास्ट वीडियो में डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें की। आज क्या, अब ध्यान से देखते हैं। सर, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन किससे कराई? Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्या होगा, ये Cl जाएगा, यहाँ अटैच होगा, बिल्कुल। तो ये बना है Cl और बाहर निकल गया HCl। लेकिन सर, जब दोबारा इसकी रिएक्शन करा दें क्लोरीन की, दोबारा हमने क्लोरीन की रिएक्शन Cl2 से, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराई, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 आयरन क्लोराइड। तो यहां पे दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस, एक तो पैरा पोजीशन पे क्लोरीन लग सकता है, दूसरा ऑर्थो पे। पैरा पे लग सकता है, ऑर्थो पे मतलब ये देखो, यहां Cl, यहां Cl। सर ये वाला मतलब आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है मेजर, एक बनता है माइनर। ये जो है ये क्या बनेगा आपका, मेजर प्रोडक्ट। ये क्या है, माइनर। सर जरा नाम तो बता दो, क्या नाम होगा? 1.2 डाइक्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा? 1.2 डाइक्लोरो बेंजीन या 1.4 डाइक्लोरो बेंजीन, 1.4 डाइक्लोरो बेंजीन। क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से, ऑर्थो और पैरा में से, सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है? तो आप बताओगे पैरा क्लोरो बेंजीन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर को ऐसे सीधे सीधे पकड़ के रखे हैं तो ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। यही मार्कर कुछ इस तरीके से किनारे से जुड़ा है, आराम से निकल जाएगा। हम आपका हाथ है, सामने सामने पकड़ के रखे हैं तो क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा, टाइटली पकड़ पाएंगे। लेकिन आप हमारा हाथ साइड से ऐसे पकड़ो, इधर तुरंत खींच के चले जाओगे, तो इसका मतलब क्या, ड्यू टू सिमेट्री पैरा स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। क्या बोलोगे, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पैरा क्लोरोबेंजीन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। क्योंकि सिमेट्री के कारण क्या होता है, आपकी जो लेटेस्ट पॉइंट है वो आराम से फिट हो जाते हैं। क्या बोलोगे, ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पैरा क्लोरोबेंजीन इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ये बात समझ में आती है? यही कहानी आती है किसकी, ये आती भी अब नाइट्रेशन। फटाक से देखो, समझते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या बोला हमने, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन। सर नाइट्रेशन में क्या होगा, ठीक है ध्यान से देखो, हमारे पास है क्या, क्लोरोबेंजीन। और जब ये क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, किसके साथ, HNO3, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बट एक बात याद रखना, अगर कैटलिस्ट आपको कन्फ्यूजन में आ जाए तो सिंपल क्या लगाओ, डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि एक अच्छा कैटलिस्ट होता है, साथ साथ में इसको किंग ऑफ केमिकल ही बोलते हैं। तो क्या होगा, ये जो NO2 है इसमें से एक N निकालो, O निकालो, कहाँ जाएगा, इधर। तो बना क्या, Cl as it is, क्या लग गया, NO2। क्या बचा, एक H बचा और एक O बचा। अच्छा यहाँ अटैच हुआ ऑर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, तो क्या बाहर रिलीज हो गया, H2O। क्या रिलीज हो गया, H2O। सर यहाँ पे दो प्रोडक्ट, एक मेजर एक माइनर। भैया जब एक मेजर बनना है एक माइनर बनना है, यानी कि कुछ इस तरीके से, क्या बोलोगे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। नाम क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा ये वाला, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। वही सेम क्वेश्चन, इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, साफ बात कि पैरा इज मोर स्टेबल देन ऑर्थो। ठीक है,
ड्यू टू इट्स सिमेट्री। फटाफट देखो इसको, फिर हम पढ़ते हैं सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्या पढ़ने वाले हैं? सल्फोनेशन ये जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के हैं, जितने भी रिएक्शंस पढ़ रहे हो फर्स्ट चैप्टर के हैं। हम साथ साथ फिर सेकंड चैप्टर सेकंड ये पूरा सीरियल वाइज है, तो आप बोर्ड एग्जाम आते आते आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल इनऑर्गेनिक आराम से हो जाएगी, ठीक है? तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको बने रहना है, प्रॉपरली हर एक वीडियो देखनी है। अभी आपकी शॉर्ट वीडियो है, चीज़ें चलेंगी तो और से लॉन्ग वीडियो बनाते रहेंगे। ध्यान देखना, सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। सर सल्फोनेशन में क्या करेंगे? सर कुछ नहीं, हमारे पास क्या है? सिंपल क्लोरोबेंजीन क्रिएशन करा दूं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट क्या होगा? ये जाके यहां जुड़ जाएगा, Cl। इसमें से क्या हुआ? S बाहर निकला, OH। कितने वो थे? चार। यूज कितने किए? तीन। कितने एच हैं? एक। यूज कितना किया? एक। एस एक, यानी कि क्या लग गया? SO2OH। इसको आप ये भी लिख सकते हो SO3H। बचा हुआ कितना? एक एच नहीं बचा हुआ है और एक ओ, और यहाँ अटैच्ड हुआ है तो एक एच यहाँ रिलीज हुआ होगा, बाहर क्या निकलते दिखाई दे रहा है? H2O। सर एक तो ये बन गया, दूसरा SO3H क्या बना? ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, दूसरा पैरा क्लोरो सल्फोनिक एसिड। वही स्टेबिलिटी, पैरा इज मोर स्टेबल, सिंपल है, ठीक। अब हमें पढ़ना है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइलेशन। एक होता है एल्काइलेशन, एक होता है एसाइलेशन। सर एल्काइलेशन एसाइलेशन जरा देखो, ठीक है? दो होते हैं, आप जनरली ऐसे ले सकते हो FC, ठीक है? देखो जरा क्या हुआ, हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन कराई किसके साथ? एल्कालाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटा आ आएगा इधर, यहाँ से कैच रिलीज होगा, क्या बाहर निकल गया? HCl। बचा क्या? एक आपका यहाँ आ जाएगा R, ये हो जाएगा फिर क्या? ये ठीक। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? बिल्कुल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, बेंजीन है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? CH3Cl मान के चलो, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या होने वाला है? ये बॉन्ड टूटा, CH3 इधर गया, Cl क्या जुड़ गया यहाँ पे? CH3। क्या नाम बन रहा है इसको? तो चाहो तो टाउलिन बोल दो, नहीं तो 2-methyl क्लोरोबेंजीन, नहीं तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बन गया Cl, यहाँ CH3। एक मेजर और एक माइनर, ऐसे ही पढ़ना है हमें फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एक क्वेश्चन देते हैं जो आपके लिए होमवर्क है, इसको आराम से करके लेके आइएगा, ठीक है? नहीं होगा हम कल की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसको लिख लिया आपने, कन्वर्ट 2.2 डाई नाइट्रो डाई फिनाइल, 2.2 डाई नाइट्रो डाई फिनाइल जो कि हम कल करने वाले हैं, ठीक है? अगर इसके पहले आप आंसर दे सकते हैं तो बिल्कुल, कमेंट पढ़ा हुआ आपके पास, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।